हेलो स्टूडेंट, हम ओस्टिक थीस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। टुडे वी आर स्टडिंग विद ओस्टियोथीस क्लासिफिकेशन। ओस्टियोथीस जो है अपने पढ़ा बोनी फिशेज होते हैं, उनके अंदर मेन बोनी स्केल्टन होता है। ये जो है डिवोनियन पीरियड के अंदर जो है उनकी इनकी जो नंबर थे वो ज़्यादा देखे गए, तो उस समय इनको एजेस उस पीरियड को एज ऑफ फिशेस का नाम दिया गया। मॉडर्न फिशेस जो है उनको जितने भी फिशेस हैं उनको कन्वेंशनली आप टू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली वो फिशेस हैं जिनको जोलेस फिशेस, जो कि हमने अर्गनेथा के अंदर पढ़ी थी, जिनकी अबाउट 75 स्पीसीज जो है आज के टाइम पर देखने को मिलती है, जिसमें लैम्प्रेज और हैंग फिश थी। सेकेंड कार्टिलेजिनस फिशीज हैं जो कि कॉन्ड्रेथीज के अंदर आती हैं, और इसमें 800 स्पीसीज जो है वो शार्क हैं, रेज हैं, उनकी देखी गई हैं। उसके बाद बोनी फिशेस जो है जिनको ऑस्टियोथीस बोलते हैं, वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिविंग स्पीसीज है अगर हम वर्टिब्रेट्स की सभी क्लास को कंपेयर करते हैं, और अबाउट 28,000 स्पीसीज जो है इसके अंदर लिविंग जो है वो देखी गई है। और ये टोटल अगर फिश स्पीसी देखते हैं, हम टोटल फिशेस जो देखते हैं उनका 96% जो है वो ओस्टियोथीस जो है वो कवर कर लेते हैं। इनके जो मेन डिफरेंस था ओस्टियोथीस के अंदर, जिसमें इनोवेशन हुआ ओस्टियोथीस का, वो है एंडोकोंड्रियल बोन, जिसको रिप्लेसमेंट बोन भी कह देते हैं। ये बोन जब ओसिफिकेशन इंटरनली होती है, जिसके कारण कार्टिलेज जो है रिप्लेस हो जाते हैं बाय पेरिकोंड्रियली, उनको एज ए स्पंजी बोन। आप ये देखेंगे बोन की जो ग्रोथ हो रही है, ये हायरिन कार्टिलेज था, मॉडल है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे उसके अंदर प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर ओरिजिनेट हुआ, फिर ब्लड वेसल्स और सब जो है धीरे धीरे इसकी ओसिफिकेशन होती चली गई, और ये बोनी फिश जो है स्पंजी बोनी फिश जो है वो तैयार हो गई। तो इसको हम बोलते हैं ये वाला जो करेक्टर है जो कि ओस्टिथियन की वो इनोवेशन में वर्क करा। ओस्टिथिस जो है कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, और वो गिल्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करते हैं, और उनमें फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए। बोनी फिशेस का जो स्केल्टन होता है वो बोन से बना होता है, बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, पेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं, टू गिल ओपनिंग्स होती हैं, ऑपरेकुलम से कवर्ड होती हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, और पेयर्ड नोस्ट्रिल प्रेजेंट होती है। इसको तीन सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। पहली क्लास जो है एकेंथीडोई जो है उसमें एक्सटिंक्ट वैरायटी जो कि आज के टाइम पर देखने को नहीं मिलती। बाकी जो दो सब क्लासेस है सार्कोटर्गी और एक्टिनोटर्गी, वो दोनों जो है आप आज के टाइम भी देख सकते हैं, जिसमें सार्कोटर्जी जिसके अंदर जो है जिसको हम लोब्ड फिल्ड रेज बोल देते हैं, आप देखेंगे ये लोब फिन है, रेज है, और ये रे फिंड फिशेज होती हैं, इनको एक्टिनोटर्जी और ये सार्कोटर्जी के अंदर आते हैं। इनकी मेन जो है इनकी आप देखेंगे जो फिन्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। जो सार्कोटर्जी होते हैं वो लोब्ड फिन फिशेज होते हैं, जिनका जो फिन होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, लोब्ड होते हैं, जैसे कि आप ये देखेंगे, और ज्वाइंट बाय अ सिंगल बोन, ठीक है। और जो एक्टिनोटर्जी होते हैं जिनको रे फिन फिशेस बोलते हैं, उनके अंदर जो है फिन रेज प्रेजेंट होती हैं, और वो वेब्ड विद स्किन होती हैं, जो कि सपोर्टेड बाय हॉर्नी स्पाइन। वन मेजर डिफरेंस जो दोनों लिविंग स्पीसीज सार्कोटर्जी और एक्टिनोटर्जी के बीच में देखने को मिलता है वो ये होता है, जो एक्टिनोटर्जियन होते हैं उनके अंदर जो मसल्स हैं वो मूव करती हैं फिन्स को
इनसाइड द बॉडी वाल, मतलब कि मसल जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिन्स की मूवमेंट के लिए, वो बॉडी वॉल के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, और वो फिन जो है वो एज ए यूनिट वर्क करती है। लेकिन ऑपोजिट में देखेंगे जो लो फिन्ड होती हैं, सार्कोटर्जी होती हैं, उनके अंदर मसल जो मूव करती हैं फिन्स को, वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, और विद इन द फिन प्रेजेंट होती है। और यही है कि जो वर्टिब्रेट्स के लिम्ब्स हैं वो सार्कोटर्जियन फिन से ही इवॉल्व हुए हैं। अब हम इन सब क्लासेस को एक एक करके जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अकेंथोडेई जो है वो प्रेजेंट डे में हमने बताया एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और वो डिवोनियन टू परमियन पीरियड तक जो है वो देखने को मिलती थी, और ये बहुत ही छोटी फिश होती थी, फ्रेश वाटर लेक के अंदर, रिवर्स के अंदर और सी में भी देखने को मिलती थी। इनकी स्किन जो थी वो गैनोइड स्केल्स के द्वारा, प्रिमिटिव जो कि स्केल्स थे उनके द्वारा कवर्ड होती थी। टेल फिन को छोड़ के अदर फिन जो थे वो फिन रेज टाइप के थे। क्लेमेटियस है, अकेंथोडियस है, ये दो जो है अकेंथोडोई के अंदर आते। सेकेंड जो सब क्लास है दैट इज सार्कोटर्जी, जिसको लो फिन फिशेस बोलते हैं। सार्को का मतलब होता है फ्लैशी, उनके फिन जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, और हमने देखा वो सिंगल बोन के द्वारा जो है वो सपोर्टिव होते हैं। सिंगल डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है। टेल जो होती है हेट्रोसेक्रल होती है, यानी कि आप देखेंगे डिवाइडेड होती है। एपिकोंड्रियल लोब्स जो है वो फिन रेस के अंदर नहीं होते, इंस्टेड वो रोबस्ट फल्क्रल स्केल के द्वारा जो है वो कवर्ड होते हैं, लाइंड होते हैं। स्केल्टन जो है पार्शली जो है हार्ड बोन से मिलकर बना होता है, पार्शली वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। एयर सैक जो है वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नोस्ट्रिल जो है वो माउथ कैविटी के साथ अटैच रहती है। लो फिन फिशेज जो है वो हमेशा जो है देखी गई है माइनर ग्रुप में, यानी कि मैक्सिमम नंबर और जो फिशेज हैं वो हमारी एक्टिनोटर्जी के अंदर जो है वो आती है। सार्कोटर्जी एक माइनर सा ग्रुप है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्टिब्रेट जो है यहीं से इवोल्व हुए हैं। लंग फिशेस हैं, लेपिडो साइरन है, नियोसिरेटोडस है, प्रोटोटेरस है, ये इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल है। जो लंग फिशेस हैं वो एक कनेक्टिंग लिंक्स का काम करते हैं बिटवीन बोनी फिशेस और एम्फीबियन, और इसी से पता चलता है कि जो लैम वर्टिब्रेट्स हैं वो सार्कोटर्जिन से अराइज हुए थे। इस सब क्लास के जो हैं टू सुपर ऑर्डर है वो है, सुपर ऑर्डर वन है क्रोसोटर्जी। क्रोसोटर्जी में क्या होते हैं, इनके जो फिन होते हैं वो लोब्ड है, ठीक है, क्योंकि ये लोब फिन फिशेस हैं। बॉडी के स्केल जो है वो कॉस्मोइड टाइप की हैं। स्क्रोल वाल भी प्रेजेंट होती हैं, क्लोइका जो है वो एब्सेंट होता है। इनके अंदर जो स्विम ब्लैडर है जिसको एयर ब्लैडर भी बोल देते हैं वो रिड्यूस टाइप का होता है, और एक हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन का काम करता है, ठीक है। इनके अंदर अगर आप इंटरनल नेरीज देखते हैं वो एब्सेंट होती हैं। इसका सिंगल ऑर्डर है सीलोकैंथी फॉर्मिस, जिसमें टू डोर्सल फिन होते हैं बॉडी के ऊपर। कोडल फिन जो है उसके थ्री लोब्ड होते हैं और डाइसेक्रल टाइप की होती है। ये देखिए इसके थ्री लोब्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये डाइसेक्रल टाइप की होती है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होती है। इक्वल साइज जो वर्टिब्री है वो सेंटर में जाती है, ठीक है। इसके इक्वल साइज टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो के अंदर एग्जांपल है लैटिमेरिया, जो कि अर्लीस्ट ही उसको लिविंग फिश का नाम दिया गया था। कोलियोकैंथ भी बोल देते हैं इनको। इसके अंदर प्रिमिटिव करेक्टर हैं जो डिवोनियन पीरियड के टाइम जो फिशेस के थे, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल का नाम दिया गया है। उसके बाद आता है सुपर ऑर्डर डिप्नोई।
डिप्नोए जो होते हैं उनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और लार्ज साइज की है। इनके अंदर डोर्सल फिन वन होता है या एब्सेंट होता है। अब आप देख सकते हैं बहुत सारी फिशेज के अंदर आपको डोर्सल फिन नहीं देखने को मिल रहा है। एयर सैक चेंज इनटू लंग लाइक ऑर्गन। कोडल फिन जो है वो डाई फाइसेक्रल टाइप के हैं। क्लोएका यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि क्रोसोटर्जी के अंदर हमने बताया था एब्सेंट होता है। और सुपर ऑर्डर के टू ऑर्डर्स हैं, दैट इज कैरेटोडिनी फॉर्मिस और लेपिडोसाइरिनी फॉर्मिस। जो कैरेटोडिनी फॉर्मिस है उसके अंदर पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो ऑस्ट्रेलियन लंग फिशेज है ये वाली आप देख सकते हैं, इनके अंदर जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स है वो पैडल लाइक है। ये आप देख सकते हैं पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो है पैडल लाइक है। बॉडी जो है माइन्यूट स्केल्स के द्वारा कवर्ड होती है। जो वन लंग टाइप होता है एयर सैक इज प्रेजेंट होती है और वो बाइलोब्ड होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नियो कैरेटिडियस जिसको ऑस्ट्रेलियन लंग फिश का नाम दे देते हैं। सेकेंड ऑर्डर आता है लेपिडोसाइरिनिक फॉर्मिस जिसके अंदर टू लंग लाइक एयर सैक होते हैं और बाइलोब्ड होते हैं। बॉडी जो है वो माइन्यूट स्केल के द्वारा ही कवर्ड होती है। यहाँ पर जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन आप देख सकते हैं ट्यूबुलर शेप के हैं। यहाँ पैडल लाइक थे, यहाँ ट्यूबुलर शेप की है। इनका एग्जाम्पल है प्रोटोटेरस अफ्रीकन लंग फिशेज है, लेपिडोसाइरन जो कि साउथ अमेरिकन लंग फिशेज है। तो हमने पहले भी बताया जो लंग फिशेज है उनके अंदर जो कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं बिटवीन द फिशेज एंड एम्फीबियन के बीच में। तो ये आज का मैंने इतना सा क्यों लिया क्योंकि जो नेक्स्ट जो हमारी सुपर क्लास है एक्टिनोटर्जी वो थोड़ी लेंथी है। ठीक है, तो अभी हमने आज जो किया हमने कहा कि ऑस्टियंथीज जो है उनको थ्री सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक तो कैंथोडिनोई, एक्टिनोटर्जी और सार्कोटर्जी जो कि कैंथोटिनोइड जो था वो जो है उनके अंदर जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जो लिविंग स्पीसीज है वो एक्टिनोटर्जी और सार्कोटर्जी है। ठीक है, तो इसके साथ हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू।